शुभम कुमार का सवाल लेते हैं, आईआरएफसी पे राय जानना चाहते हैं। 176 रुपए 176 की इनकी बाइंग है। आईआरएफसी और तमाम रेलवे काउंटर्स में हमेशा बुलिश नजरिया रहा है, और पहले तो शुभम को एक बधाई देनी होगी क्योंकि अच्छे मुनाफे में है। 175 के आसपास से ये स्टॉक का नजर आता हुआ क्या करना चाहिए? माफ कीजिएगा, देखिए यहां पर थोड़ा गलत आंकड़े थे, यहां पर आईआरएफसी में नुकसान होता हुआ शुभम को क्योंकि 176 की इनकी बाइंग है। बताएं नितेश क्या करना चाहिए आईआरएफसी में? देखो 168 170 की इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर क्रॉस होता है नीचे की साइड में तो वहां से एग्जिट करें, लेकिन हायर लेवल के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो रिसेंट जो फॉल आया था उसका 0.61% का जो रिट्रेसमेंट वाला एरिया है वही एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 180 से लेके 182। अगर ये निकाल देता है तो फिर इसमें एक नया फ्रेश तेजी स्टार्ट होगा, तो अभी के लिए होल्ड करें 168 का स्टॉप लॉस। अगर नई तेजी आती है तो 200 प्लस के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 0.61 का जो एरिया है वो क्रॉस होना काफी स्टॉक में जरूरी है, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स में क्रॉस हुआ है इलेक्शन रिजल्ट के बाद उन्होंने काफी बढ़िया तेजी स्टॉक में।